की वर्कशीट जो बच्चों को रिकॉग्नाइज करने के लिए लिए ऑब्जर्वेशन पावर के लिए बहुत ही अच्छी है हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की जो मिरर प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें जैसे कि बच्चा डी को बी समझता है और बी को डी समझता है तो इस प्रॉब्लम को हम बच्चे से कैसे दूर करें हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राप किड्स एंड दिस इज तंजस हियर आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी वर्कशीट जो आपके बच्चों को कर सकती है बहुत ही माइंडेड सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो एज यू कैन सी मैंने फर्स्ट लाइन में एक कंप्लीट किया हुआ है सर्कल वन जो बच्चे अभी नर्सरी से प्रैप में आए हैं या फिर अभी नर्सरी में आए हैं उनके लिए ये वर्कशीट बहुत ही अच्छी है जो बच्चों की मिरर प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है तो ऑड लेटर पे हमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल करवाना है अपने बच्चों से और ये उनके लिए बहुत ही इजी होगा कई बच्चे बी को डी समझते हैं और डी को बी समझते हैं तो ये प्रॉब्लम उनकी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी जो बच्चे अभी नर्सरी में आए हैं या फिर प्ले में हैं उनके लिए वर्कशीट बहुत ही अच्छी आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट लाइन में बनाया है एच आई टी ई एफ एल तो ये जो हमारे लेटर्स हैं स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के लेटर्स हैं इन लाइन में स्लान्ट लाइन्स के लेटर्स लिखे हैं ए एम एन के एक्स वी Z Y ये हमारे स्लॉटिंग लाइंस के लेटर्स हैं और अब आप देख सकते हैं ये हमारे कर्व स्लैंटिंग और स्ट्रेट लाइन और स्लीपिंग लाइन से बने हुए लेटर्स हैं C B D O Q P आर एस यू बच्चों को इनको ट्रेस करना है और आसानी से वो इसे सीख सकते हैं अब आप ये जो एक्टिविटी देख रहे हैं राइट द फर्स्ट लेटर तो मैंने यहाँ पे बॉल की पिक्चर बनाई है और बच्चे को फर्स्ट लेटर लिखना है तो यहाँ पे आएगा पी के काइट एप्पल अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है मैच द पिक्चर अब यहाँ पे एक साइड पे मैंने letters लिखे हैं और एक साइड पे मैंने पिक्चर्स बनाई हैं तो बच्चों को लेटर से पिक्चर मैच करना है आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट कैपिटल भी बनाया और सेकंड स्मॉल भी बनाया इससे क्या होगा बच्चों को इससे कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस पता चलेगा तो जैसे कि सी सी से क्या होता है कैट सी फॉर कैट आई आई फॉर आइसक्रीम यहां पे आइसक्रीम बनी है कैपिटल आई स्मॉल आई तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी वर्कशीट है जो बच्चे अभी करंट में लेटर्स सीख रहे हैं उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है इससे पता चलेगा कि बच्चों को उनके माइंड सेटअप हो रहे हैं इससे पता चलेगा कि बच्चों को जो हम लेटर सिखा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स हैं बच्चों के लिए जिससे उनको भी बहुत ईजी होगा लेटर्स के साथ पिक्चर्स को समझने में और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी हैं जिससे उन्हें समझ में आएगा कि हमारे बच्चों को ये लेटर्स जो हम उन्हें सिखा रहे हैं उन्हें समझ आ रहे हैं या नहीं अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कंप्लीट द लेटर्स जैसे कि आप देख रहे हो ए यहाँ पे बी मिसिंग है सी डी मिसिंग है ई एफ जी एच मिसिंग है तो जो लेटर्स यहाँ पे मिसिंग हैं वही बच्चों को कंप्लीट करने हैं इससे क्या होगा बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी है उनके माइंड पे थोड़ा प्रेशर जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा अगर बच्चे अपना माइंड चीज़ों में लगाएंगे नहीं और उनको इजी वे में ही हर चीज़ मिल जाएगी करने के लिए तो आप खुद से सोच सकते हैं वो ये चीज़ नहीं सीख सकते थोड़ा माइंड पर प्रेशर देना भी जरूरी है आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहती हूँ कहते हैं अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसका कोई मोल नहीं होता वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर बच्चों को हर चीज़ ईजी वे में मिल जाए हर चीज़ उन्हें ईजी वे में समझ आ जाए तो उसका कोई मोल नहीं है सो आई होप आपके बच्चे की ये मिरर प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑब्जर्वेशन पावर को ये इम्प्रूव करेगी बहुत ही हद हाँ तक तो इस वीडियो को अपने बच्चों के ऊपर ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें जैसे कि मैंने शीट्स बनाई है आप उसका स्क्रीन ले सकते हैं और आप अपने बच्चों को करा सकते हैं ये ये उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत हद हाँ तक सॉल्व कर देगी जैसे कि आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप बच्चों को ये गेम्स के थ्रू दे सकते हैं करने के लिए कि कुछ आप जैसे कि हम खेलते हैं तो पर्चियां बना लेते हैं पर्ची दे सकते हैं आप कुछ पर्चियाँ बनाइए उस पर आप लिख दीजिए हिंदी इंग्लिश मैथ्स और बच्चे को बोलिए इन तीनों पर्चियों में से एक उठाओ अगर जो पर्ची हम आप उठाओगे जो आप उठाओगे उसी के विभाग पे आपको हम गेम खिलाएंगे अगर आप इंग्लिश की उठाओगे तो हम इंग्लिश की गेम खेलेंगे हिंदी की उठाओगे तो हिंदी की गेम खेलेंगे मैथ्स की उठाओगे तो मैथ्स की गेम खेलेंगे ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम बहुत ईजी वे में उनको समझा सकते हैं गेम्स खिला सकते हैं और ऐसी एक्टिविटी वर्कशीट मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग